Assalamu alaikum classics. Today we are going to start a lecture 11 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals. जी बेटा, ये एक मैंने स्लाइड ऐड की है, ठीक है। ये आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको बताए गए हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनता है, तो इसके बहुत से स्टेजेस आती हैं, ठीक है। बहुत से लेवल से वो गुजरता है और फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? लिविंग थिंग को। अब वो लिविंग थिंग एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा हम सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद आपने यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था सेल से। सेल सेल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा? टिश्यूज। टिश्यूज मिलते हैं, जब एक जैसे टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने टिश्यूज जो था वो पढ़ लिया था आप लोगों ने, और उसके बाद आज हमने ऑर्गन पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड ऐड कर दी, ताकि आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यूज। जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। सिस्टम में बेटा जान काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक जैसा जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जब एक बन जाता है, सिस्टम बनता है, तो फिर उसके बाद वो एक लिविंग थिंग यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आपको ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। पिछली स्लाइड में आपने देख लिया ना कि टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। और आवर बॉडी इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनका अपना अपना अलग फंक्शन होता है। लाइक योर हार्ट, लंग्स, आइज, ब्रेन, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऑर्गन्स हैं, लाइक आपके किडनीज हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं? लिवर है, ये आपके ऑर्गन्स हैं। अगर हम हार्ट देखते हैं तो हार्ट का बेटा क्या फंक्शन होता है? हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है ना पूरी बॉडी में। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स आपके एयर यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स हेल्प करते हैं। आईज, आईज आपके कैसे ऑर्गन है? ये आपको सीइंग में यानी साइट में हेल्प करते हैं, देखने में। ब्रेन है, ब्रेन आपकी पूरी बॉडी का हेड है। जो भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? आपके ब्रेन के साथ। तो टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, समझ आ गई? डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। उसके बाद ऑर्गन की अगर हम अगेन मैंने डेफिनेशन ऐड की है, आप देखो यहाँ पे, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। इतनी सिंपल सी है कि ऑर्गन जब आपस में क्या होते हैं? इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? एक ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। एंड ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शन। एक जो ऑर्गन बनता है वो एक या एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। अब हमने आज के जो आपके लेक्चर में पढ़ने हैं वो प्लांट ऑर्गन्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो बेटा एनिमल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो प्लांट ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लीफ है, फ्लावर है और रूट है। इनके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा ना कि ये क्या करता है। लीफ क्या करता होगा, फ्लावर क्या करता होगा, रूट्स क्या करती होंगी। थोड़ा सा ना जब लेक्चर हो रहा होता है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा खुद से भी सोचा करें कि क्या होगा अब इसमें। अब ये प्लांट स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, तो प्लांट ऑर्गन्स में रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं एंड फ्लावर्स हैं। लेकिन स्टेम्स को हमने इसमें नहीं पढ़ना, हमने रूट्स को, लीव्स को और फ्लावर्स को पढ़ना है। ये देखो, ये रूट्स हैं, ये प्लांट ऑर्गन है। उसके बाद बेटा ये स्टेम है, ये भी प्लांट ऑर्गन है। फ्लावर भी प्लांट ऑर्गन है और लीव्स भी क्या होते हैं? प्लांट ऑर्गन्स होते हैं। अब इनको हम देखते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या है। प्लांट लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, लीव्स मेक फूड। तो लीव्स क्या करते हैं? लीव्स में प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होती है, बनती है। उसके बाद फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज एन अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स। आपको पता है ना, फूल जब बनता है उसके अंदर, फूल के अंदर क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं, ठीक है। फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। बट कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही डायरेक्ट सीड्स होते हैं, लाइक
सोचो सोचो कौन सा वाला फ्लावर ऐसा है, सनफ्लावर। सनफ्लावर के देखे ना, उसके जो सेंटर पोर्शन होते हैं ना, उसके अंदर ही उसके सीड्स बन जाते हैं, और बाकी जो है वो फ्रूट्स बनाते हैं। फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और फिर हम सीड्स को क्या करा देते हैं, ग्रो कराते हैं, और फिर उसी से वैसा ही प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। अब रूट का ऑर्गन सिस्टम, अगर ऑर्गन देखते हैं तो रूट क्या है, दिस ऑर्गन होल्ड्स अ प्लांट इन द सोइल। सोइल के अंदर जो है वो आपका क्या करता है, प्लांट को होल्ड करती है, कौन, रूट्स। रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फॉर द प्लांट, और इसके अलावा क्या करती हैं रूट्स, प्लांट के लिए वाटर और सॉल्ट जो है, जो कि उसके सोइल के अंदर ऐड होता है, वो भी उसको देती हैं। अब यहाँ भी ये देखो, ये ऑर्गन्स की मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, ये आपके लीव्स हैं, ये आपका फ्लावर है, और ये बेटा क्या है, आपका रूट्स हैं। ठीक है, अब ओपन योर बुक्स, पेज नंबर आपका 10 और 11 पे थोड़ा सा काम है, ये मैं आपको बुक रीडिंग जल्दी से करा देती हूँ। ठीक है, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, आर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन। ये किसकी बात हो रही है, ये तो ह्यूमन बींग की बात हो रही है ना, प्लांट के पास तो नहीं ना हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन होता है। प्लांट्स के पास तो क्या होंगी, प्लांट्स के पास तो रूट्स होंगी, लीव्स होंगे और फ्लावर होंगे, बट ये ओवरऑल वैसे आपको बताया गया है। ऑर्गन की डेफिनेशन भी अब देख लेते हैं हम, क्या है, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर, एन ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शन। सम प्लांट ऑर्गन देखते हैं, फॉलोइंग आर सम प्लांट ऑर्गन, लीफ, प्लांट लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, लीव्स मेक फूड, हु यूज दिस फूड, कौन करते हैं, हम करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स, एनिमल्स जो होते हैं वो सारे अपनी फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक है, लाइक आप रोटी खा रहे हो, रोटी किससे बनती है बच्चों, आटे से, और आटा कहाँ से आता है, गंदुम से, और गंदुम क्या है, वीट इज अ प्लांट। ठीक है, तो आपकी वो हम लोगों ने यूज कर ली। इसी तरह जो सारे फ्रूट्स हम खाते हैं वो भी तो सारे प्लांट से ही आते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर, अ फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद रूट्स पे आ जाते हैं, रूट ऑर्गन क्या है, दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट इन द सोइल, रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फॉर द प्लांट। ठीक है बेटा, ये बुक रीडिंग हो गई थोड़ी सी, इसके बाद आपकी डायरी आई है, क्वेश्चन 9 इतनी बार 3 बार आपकी डायरी में चला गया, अब तो आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, अगेन आज आपकी ये डायरी में फुल जा रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई थोड़ा सा नहीं याद हुआ ना, तो आज अच्छे से याद कर लेना। मैं अगेन आपको ड्रिल करा देती हूँ, जल्दी से पढ़ा देती हूँ, तो एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल रिटन विद डायग्राम। डायग्राम आपने मस्त बनानी है, प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल में बेटा देखते हैं, तो सेल वॉल है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, मेड ऑफ सेलुलोज, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड शेप टू प्लांट सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है बेटा साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इन साइड सेल मेम्ब्रेन, कंटेन्स वाटर, केमिकल सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, तो कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू इट। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, एंड द सेकंड नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल दैट ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड मेक फूड। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, तो इट स्टोर वेस्ट मटीरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। ये 8 आपके जो हैं ये पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है और इनको आपने लूज शीट के ऊपर अगेन लिख लेना है। ठीक है बेटा, अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ, ये जो मैं आपको ऊपर बच्चे स्लाइड्स दिखाती हूँ ना, लाइक ये जो आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती हैं, जैसे क्लास में टीचर आपको समझाती है ना उस तरह से। एक्चुअल में जो आपने काम करना होता है बेटा, वो आपकी डायरी होती है, जो कि आपकी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही आपकी मेंशन होती है, जैसे कि आज की आपकी डायरी है, लर्न क्वेश्चन 9 फुल। ठीक है, आपने बुक रीडिंग भी कर लेनी है उसकी, ऑर्गन्स की, प्लांट ऑर्गन्स की, और आपने डायरी में क्या करना है, आपने क्वेश्चन 9 फुल जो है वो लर्न करके दूसरी शीट्स के ऊपर काम कर लेना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।